हेलो एवरीबॉडी, कल CAPF का एग्ज़ाम था तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। इस बार अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चंस काफ़ी जनरल टॉपिक से पूछे गए हैं। CAPF के टीचर्स जो हैं और जो स्टूडेंट्स भी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करंट इश्यूज़ पे, और स्पेशली स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है कि मैम कितने मंथ का करंट आ सकता है, 6 मंथ का कि 1 ईयर का। मगर अगर हम देखें तो आपका बहुत जनरल टॉपिक पे भी आया है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, ये बहुत जनरल टॉपिक है। द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी बहुत जनरल टॉपिक है। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, ये भी बहुत जनरल टॉपिक है। तो ये सारे जनरल टॉपिक पे आए हैं। अब जैसे ये वाला जो टॉपिक है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, ये जनरल टॉपिक नहीं बोलूंगी, ये बर्निंग टॉपिक है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर इश्यू है ये हमेशा से मुद्दा बना रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, राइट? तो ये एक बर्निंग टॉपिक है और ये ऐसा इश्यू है, ऐसी क्राइसिस है जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। ओके, तो हम इसको जनरल टॉपिक नहीं कहेंगे। फिर अगर आप आर्गुमेंट में आएंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी मे रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, वैसे तो देखा जाए तो ये करंट टॉपिक है क्योंकि आजकल ई बुक्स चल रहे हैं। फिर है होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, ये भी बहुत जनरल टॉपिक है मगर आप उसको करंट से भी रिलेट कर सकते हो। जो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो उनमें भी सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है। अगर कोई ऐसा केस है, अभी मुझे पता नहीं है कि नहीं, मगर ऐसा केस हुआ है तो आप वो भी आप इंडिकेट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल स्ट्रेस और स्ट्रेन में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ होमवर्क। द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ये जो टॉपिक है ये बहुत जनरल है मगर आप इसको करंट से रिलेट कर सकते हो। वाटर स्कैसिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका करंट वाला मुद्दा है। अब देखिए, फर्स्ट एसे है द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। तो अगर किसी ने भी मेरा 19 AC 10 वाला टेस्ट पेपर का सोल्यूशन लिया है या इवेलुएट करवाया है, मैंने एक टॉपिक दिया है वो ये है ह्यूमंस आर ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। ये बेसिकली टॉपिक इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन सोचते हैं कि वो ही सिर्फ धरती के मालिक हैं या उन्हीं को अधिकार है इस धरती पर रहने का और बाकी प्लांट और एनिमल स्पीशीज को नहीं है। ह्यूमन के इस सोच की वजह से और अनवांटेड एक्शन की वजह से एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, इसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से ह्यूमंस की वजह से प्लांट और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस एक्शन की वजह से वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 6th मास एक्सटिंक्शन। ये सारी चीजें मैंने इस एस्से में बताई हुई जो आपके एग्जाम में से पूछा गया है, द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, उसमें इस एस्से का कंटेंट और फैक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते थे। अब नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। जिसने भी मेरा 19 AC 02 टेस्ट पेपर लिया है विद सल्यूशन या इवेलुएशन करवाया है, तो इस पेपर में मैंने ये वाला टॉपिक दिया था, सोशल मीडिया इज पोलराइजिंग द इंडियन सोसाइटी। जब हम बोल रहे हैं कि पोलराइजिंग द इंडियन सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि इंडियन सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है उसको सोशल मीडिया सेग्रीगेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और ऑब्वियसली इससे सोशल रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हो या डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज हो, तो वो इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो एग्जैक्टली वैसे ही पूछा गया है, और जिसने भी ये टेस्ट पेपर लिया है उस और उसके सोल्यूशन को अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ खरीदना नहीं होता है उसको, अच्छे से पढ़ना भी होता है, तो जिसने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है तो ये वाला एस्से को अटेम्प्ट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो अब नेक्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। अब जिस किसी कैंडिडेट ने मेरे से 19 AC 05 टेस्ट पेपर लिया है विद सोल्यूशन या इवेल्युएशन वाला, तो उनको बहुत फायदा हुआ होगा क्योंकि इस एस्से में जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो आप ये वाले एस्से के सोल्यूशन से निकाल सकते हो कंटेंट।
फार्म क्राइसिस, शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स आर फ्यूटाइल। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल क्राइसिस है उसमें अगर आप टेम्पररी सोल्यूशन दोगे, शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स का मतलब टेम्पररी सोल्यूशन दोगे, तो वो फ्यूटाइल है, वो बेकार है। तो ऑब्वियसली इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप रेटोरिकल प्रोमिसेस करोगे, फार्म लोन्स को वेव ऑफ कर रहे हैं, और या भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो प्रोमिसेस है, अगर ये सब सिर्फ प्रोमिसेस ही करेंगे तो जो फार्म क्राइसिस है वो रिजॉल्व नहीं हो। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग। 1910 में भी आप देखेंगे आर्मी पे मैंने ऐसे जरूर दिया है, बट विद रिगार्ड टू वुमेन। मुझे लगा कि मिलिट्री पुलिस वुमेन के लिए दरवाजे खुल गए हैं तो करंट है, तो इस पे क्वेश्चन आना चाहिए, मगर उसको डिफरेंट तरीके से पूछा है कि नेशन बिल्डिंग में कैसे मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा बहुत पहले आया था, जब एक गेम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें काफी बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, तो उस समय वो उस दौरान वो मुद्दा एकदम करंट था, मगर अब ये मुद्दा एकदम ठंडा हो चुका है, और तब जाके यूपीएससी पूछ रहा है इस पर। जो हम लोग अपना माइंडसेट बना के रखें कि करंट करंट करंट, उस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा, और हमें जनरल टॉपिक पे भी प्रिपेयर करना होगा, और ऐसा इशू जो 2-3 साल पुराना है उस पर भी हम प्रिपेयर कर ले तो हमारे लिए बेटर होगा। अब जैसे मिशन शक्ति, इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, मगर जरूर 2-3 साल बाद क्वेश्चन पूछ सकता है, आउटर स्पेस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पर टॉपिक तो दिया था अपने टेस्ट पेपर 1980-02 में, वॉयलेंस इज एट द हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें पूछ लिया है कि इंडियन पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है और अनप्रेडिक्टेबल है, तो हल्का फुल्का तो जरूर मदद किया होगा ये वाला ऐसे का सोल्यूशन, जिस किसी ने भी ये ऐसे अटेम्प्ट किया होगा। अब नेक्स्ट है डिजिटल टेक्नोलॉजी मे रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन। इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने अपने टेस्ट पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया था। जुवेनाइल अब्यूज है, एक चीज आप लोग याद रखना, 3 टॉपिक पर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एनवायरमेंट, विमेन या तो चाइल्ड, तीनों में से कोई एक पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो तीनों पर ही आ सकता है। विमेन एंड चाइल्ड पर इसलिए आता है क्योंकि बोथ आर कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओके, तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन आएगा, और हमारा एनवायरमेंट खतरे में है इसीलिए इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। मैंने दिया नहीं अपने टेस्ट पेपर में चाइल्ड अब्यूज के बारे में। रिपोर्ट का सेकेंड टॉपिक वाटर स्कैसिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो इस पर मैंने एसे का क्वेश्चन फ्रेम किया था, वाटर क्राइसिस इन इंडिया इज ग्रेजुअली टर्निंग इनटू कैटास्ट्रोफी। रिपोर्ट और एसे में काफ़ी फर्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फर्क तो यही है कि रिपोर्ट में आप अपना ओपिनियन और अपना सजेशन नहीं देते हो और एसे में आप देते हो, मगर सिमिलैरिटी ये है कि ऐसे भी फैक्ट्स डिमांड करता है और रिपोर्ट भी डिमांड करता है फैक्ट्स। तो जिसने भी ये टेस्ट पेपर लिया है 1910 और अच्छे से पढ़ा है, तो इस ऐसे का सल्यूशन से आपको फैक्ट्स निकालकर रिपोर्ट में लिखना था। और रही बात ग्रामर का, तो ग्रामर बहुत आसान आया था, अभी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिंग नहीं पढ़ा है, मगर ग्रामर बहुत आसान था, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ग्रामर के वीडियोस देखे होंगे अच्छे से, उनसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, ओके। और रही बात 2020 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो जिनके भी ग्रामर वीक है उनको ग्रामर पे काम करना चाहिए, जनवरी तक ग्रामर पे बहुत अच्छे से काम करो, अपने ग्रामर को बहुत स्ट्रेंथन कर लो, और जनवरी के बाद से आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, ओके। तो फेस टू फेस क्लास भी अवेलेबल है, पेपर 2 के लिए पेन ड्राइव क्लासेस अवेलेबल हैं, और जिसका ग्रामर स्ट्रांग है तो बस मैं राइटिंग पे ध्यान देना है उनको, तो वो मेरा 500 रुपीज पर मंथ वाला इवैल्यूएशन पैकेज ले सकते हैं, जिसमें हम उससे इवैल्यूएट करवा सकते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट को। तो उसके लिए आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मेरा नंबर है 9599677731। ओके, थैंक यू।